हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस तरह का मफलर बनाएंगे। मफलर के नीचे देखिए मैंने इस तरह की फ्रिंज बनाई है, जाल बनाया है, फिर हमने ये लटकन लगाई है। तो ये मफलर देख लें आप, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। इस तरह का आप मफलर बना सकते हैं। और ये मफलर मैंने मैचिंग जैकेट के साथ मैचिंग बनाया है। ये देखिए इस जैकेट के साथ मैंने ये मफलर बनाया है। और ये जैकेट मैंने किस तरह से बनाई है, इसे आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप श्रग एंड जैकेट वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें, वहाँ पर आपको इस जैकेट की कंप्लीट वीडियो मिलेगी। और इस प्लेलिस्ट का, जैकेट और श्रग वाली प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरे चैनल पर और भी मफलर स्कार्फ की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं मफलर। 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है मफलर बनाने के लिए। 3 प्लाई की वूल ली है। और यहाँ पर जो मैंने मफलर की फ्रिंज बनाई है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देखकर आप ये बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 37 मैंने यहाँ पर चेन ली, 37 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम थम रखेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, यही वाले 3 स्किप करेंगे और फोर्थ में हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक हमारे पास ये 3 की चेन है, इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल मेरे पास 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किए, फिर नेक्स्ट में किए, इस तरह से हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 37 मैंने चेन ली थी तो 37 डबल क्रोशिया वो होंगे। और शुरू में हमने 3 की चेन ली है तो ये हमारे पास 38 हो जाएंगे, 38। रो देखिए कंप्लीट हो गई। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वाली चेन में हमारा ये जो 3 की चेन है ये डबल क्रोशिया काउंट होती है, तो यहाँ नहीं बनाते, नेक्स्ट में बनाएंगे। 5 हम शुरू में डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 4 डबल क्रोशिया और एक जो 3 की चेन है, टोटल ये 5 स्टिच हो गए मेरे पास। इसके बाद मैंने 2 चेन लिए, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए 2 चेन लिए, 2 चेन स्किप करेंगे, 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर करेंगे। इसके बाद 2 चेन लिए तो कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 इस तरह के मेरे पास होल आए हैं। और एंड में देखिए मैंने 2 चेन स्किप किए हैं और लास्ट में मेरे पास 3 डबल क्रोशे हैं, और ये थर्ड चेन में भी बनाया हमने। तो रो हमने स्टार्ट की 5 डबल क्रोशे के साथ, फिनिश हमने 3 के साथ की। इसी तरह से हर बार होगा। 3 चेन लिया हमने, वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए स्टार्ट में फिर से हमारे पास 5 डबल क्रोशे होंगे, स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाया, ये 3 हमारे पास डबल क्रोशे हो गए। फोर्थ डबल क्रोशे हमने यहाँ होल में बनाया, और फिफ्थ डबल क्रोशे हमने ये जो पहला डबल क्रोशे है इसके ऊपर बनाएंगे, ऊपर वाली चेन में। तो अब देखिए शुरू में हमारे पास 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे हैं। धागा लिया हमने, यहाँ पर हम पफ बनाएंगे ये होल में, इस तरह से 1, इस तरह से फंदे को बड़ा रखेंगे, 2 3 4 चार बार मैंने धागा लेकर, ये जो हमारे फंदे हैं ये इस तरह से इक्वल होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए,
और यहाँ पर हमने ये सारे स्टिच निकाल दिए। अभी देखिए हमारे पास ये कंप्लीट नहीं हुआ हमारा स्टिच, ये हमारे फंदे जो हैं लूज़ हैं। यहाँ पर एक चेन लेकर हमने स्टिच को कंप्लीट किया, तो ये हमारा पफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। फिर से देखिए पफ बनाना है हमने, किस तरह से बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ से देखिए 1 2 3, इस साइड से थर्ड चेन को हमने लेना है। यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे एक, फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3, 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद ये होल में बनाएंगे फोर्थ, फिर फिफ्थ हमने ये पहला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास 5 है डबल क्रोशिया। फिर हमने धागा लिया, यहाँ पर पफ बनाएंगे। 4 बार हमने धागा लेना है। जब भी हम ये धागा लेंगे फिंगर रखेंगे ताकि ये हमारे स्टिच छोटे ना हो जाए। 2 बार 3 फिंगर रखेंगे, 4 स्टिच को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली, 1 2 3, थर्ड में हमने डबल क्रोशिया किया। फिर यहाँ होल में बनाया फोर्थ डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने फिफ्थ बनाया। इसके बाद धागा लिया, पफ बनेगा, 2 फिंगर रखी, 3 फिंगर रखेंगे, ये हमने स्टिच को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली। तो यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 5 बनाए हैं डबल क्रोशिया, धागा लिया, पफ बनाएंगे, इसके बाद एक चेन ली, 1 2 3, थर्ड चेन में हमने फिर से बनाया। तो जैसे हमारे पास ये लास्ट रो थी, देखिए यहाँ पर हमने सेकंड में 5 के साथ स्टार्ट किया था, एंड हमने 3 के साथ किया था। इसी तरह से हमने ये रो जो बनाई है 5 के साथ स्टार्ट किया है, 3 के साथ हमने फिनिश किया है। नेक्स्ट रो भी इसी तरह से बनेगी, 1 2 3 चेन, 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट में नहीं बनेगा क्योंकि उसमें ये 3 की चेन आएगी, तो नेक्स्ट में बनेगा। 3 हमारे पास स्टिच हो गए। अब हमने होल में बनाया, ये 4 स्टिच हो गए। अब ये जो हमारा पफ है, पफ की ये चेन है, चेन में बनाएंगे। तो ये फिर से हमारे पास 5 हो गए डबल क्रोशिया, धागा लिया, अब इस होल में हम पफ बनाएंगे, 3 4, सारे स्टिच निकाल दिए, स्टिच को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली, 1 2 3, थर्ड में हमने बनाना है। तीन डबल क्रोशिया हो गए, 5 होने चाहिए यहाँ पर। एक होल में बनाया, एक हमने ये जो पफ है इसके ऊपर चेन में बनाएंगे। तो फिर से देखिए ये 5 हो गए। फिर से हमने धागा लिया, अब हमने एक चेन ली, 1 2 3, होल में बनाएंगे, और फिफ्थ हमने यहाँ पर बनाना है। टोटल 5 हैं। चार बार हमने धागा लिया, इसके बाद एक चेन ली, होल में बनाएंगे, 5वां स्टिच हमने ये पफ के ऊपर बनाना है।
फंदे को इस तरह से बड़ा रखेंगे। फिर एक चेन लें, होल में बनाया, फिर पफ के ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर पफ बनेगा, एक दो तीन चार। इसके बाद एक चेन ली, फिर से देखिए एंड में एक दो तीन, थर्ड के ऊपर बनाएंगे। पांच के साथ हमने स्टार्ट किया है, तीन के साथ कंप्लीट किया है। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, फिर से हम पांच के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा, फिर नेक्स्ट में, तो अभी हमारे पास तीन हैं। फिर होल में बनाएंगे, फिर ये वाला जो पफ है इसके चेन में बनाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने पफ बनाना है, चार बार हमने धागा लिया, स्टिच को कंप्लीट किया, फिर एक चेन ली, एक दो तीन। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा, बहुत ही इजी है। तीन होल में बनाया, चार पफ के ऊपर बनाया, पांच, फिर यहाँ पर पफ बनेगा कंप्लीट करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रो कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर देखिए पफ बनाया, फिर मैंने एक चेन ली, एक दो तीन, थर्ड चेन में बनाएंगे। पांच के साथ हमने स्टार्ट किया, तीन के साथ फिनिश किया, तो इसी तरह से ये आगे बनता जाएगा। तो अब आप देखिए मफलर को मैंने बड़ा कर लिया है, ये देखिए इस तरह का ये दिखेगा। और स्टार्ट में देखिए यहाँ पर ये रॉन्ग साइड है, इस साइड से देखेंगे आप फंदे, ये हमारे सीधे फंदे दिखाई देते हैं, इस साइड से देखेंगे तो ये रॉन्ग साइड है। पफ स्टिच जो है ये दोनों साइड से एक ही जैसा दिखता है, लेकिन हमने फिनिश किस तरह से करना है वो हमने ये वाली रो देख कर करना है। तो इसे ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने ये रो कंप्लीट की है, ऊपर पफ स्टिच वाली रो मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट की है। अब हम राइट साइड आएंगे, राइट साइड से दोनों, ये देखिए यहाँ से और ये ऊपर से एक जैसा दिखना चाहिए। अब हमने यहाँ पर डबल क्रोशे की रो करनी है लास्ट में, लास्ट में हमने पफ स्टिच की रो नहीं बनानी, और यहाँ पर हम सबके ऊपर एक एक बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था 37 हमारे पास चेन थी, 37, और हमने नई रो स्टार्ट करने के लिए तीन चेन ली थी, एक हम उसको डबल क्रोशे काउंट करते हैं, तो फर्स्ट रो में टोटल मेरे पास 38 डबल क्रोशे हो गए, 38। तो 38 यहाँ पर हमने डबल क्रोशे उठाने हैं सेम उतने ही। तो किस तरह से उठाएंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर में हमने एक चेन ली है इसे आप काउंट ना करें, इस साइड भी काउंट ना करें। अब बीच वाले आप स्टिच देखिए, सात स्टिच है हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और सात देखिए ये हैं सात सात सात, 28 ये हो गए हमारे पास। बीच वाली हम चेन नहीं काउंट करेंगे, और शुरू में भी सात हैं, इसको एक गिनेंगे, दो तीन चार पाँच छः और सात, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सात ये हैं, तो ये 35 स्टिच हो गए, 35, तीन हमारे पास ये हैं तो ये 38 स्टिच हो गए। तो कहने का मतलब ये है जो हमने सेंटर में चेन ली है वहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, अगर वहाँ पर बनाएंगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा। जो हमारी बीच में एक चेन लेते हैं वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, ये देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर गैप आ जाएगा इस तरह से, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम दो को इकट्ठा बने बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेंटर में बनाया, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में बनाया,
अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर गैप नहीं आएगा और ऊपर भी हमारी एक चेन आएगी, दो नहीं आएंगी। फिर से देखिए, इसके बाद देखिए हमने एक एक बनाते जाना है, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, सात हमने यहाँ पर बनाने हैं, सेवन। तो यहाँ तक देखिए मेरे सेवन हो गए। बीच वाले में हमने नहीं बनाना, उसके बाद सात ये हैं, तो बीच में गैप ना आए, बीच में दिखे, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से इनकम्प्लीट बनाना है। फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में इनकम्प्लीट बनाएंगे। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऊपर हमारे पास देखिए एक ही चेन आई है, जिससे कि ये खुलेगा नहीं, फैलेगा नहीं ऊपर से। लेकिन और तो यहाँ पर देखिए हमारा गैप भी कवर हो गया। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे रो को। अब यहाँ पर देखिए फिर उसी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, धागा लिया है, नेक्स्ट में बनाया, फर्स्ट टू निकाल दिए। अब इसे कंप्लीट करेंगे तीनों को इकट्ठे निकाल के, इस तरह से ये रो आएगी, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। अब ऊपर चेन काउंट करेंगे जो 38 होंगी, ये 38 जैसे बिल्कुल हमारे पास स्टार्ट में थी। देखिए इस तरह से ये आएगा बिल्कुल जैसे यहाँ से दिखते हैं सीधे फंदे, और एंड में भी इसी साइड पर हमारे जो सीधे फंदे आएंगे। एक चेन लेंगे यहाँ पर। अब साइड में देखिए थोड़ी थोड़ी हम किनारी बनाएंगे। अब बनाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं तो इसके बिना भी अच्छा लगता है। ये देखिए दोनों साइड से इस तरह से रखना चाहते हैं, इस तरह से रख लें। अगर किनारी बनाना चाहते हैं तो एक हल्की हल्की सी हम किनारी बनाएंगे। देखिए एक चेन ली यहीं पर, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया किया, एक दो तीन चेन लिए। ये सिंगल क्रोशिया के दो धागे हम उठा लेंगे, यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से देखिए एक दो तीन चेन लिए, तो ये आपकी चॉइस है, आपने किनारी करनी है तो कर ले, नहीं तो उसके बिना बना ले। तो इस साइड हम कंप्लीट करेंगे लेंथ वाली साइड, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे दोनों साइड। यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने किनारी कर दी है, देखिए इस साइड भी। अब देखिए इसकी चौड़ाई कितनी तैयार हुई है, किनारी को साथ लेंगे तो ये 9.25 है, देखिए 9 के करीब आप कह सकते हैं इसकी चौड़ाई है। और अगर आप इसे थोड़ा और चौड़ा बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पैटर्न है, हम 5 बनाते हैं इसमें डबल क्रोशिया, 2 चेन स्किप करते हैं, तो 7 चेन से हमारा पैटर्न एक बनता है। फिर देखिए यहाँ पर ये 5 हमने डबल क्रोशिया किए, 2 चेन हमने स्किप किए, तो 7। यहाँ पर इस तरह के हमने 5 रो रखी हैं, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 35 हमारी ये हो गई चेन। जो हमने शुरू में 37 चेन ली थी, 2 हमने एक्स्ट्रा चेन ली है पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए, इस हिसाब से मैंने 37 चेन ली है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा और चौड़ा रखना चाहते हैं, ये देखिए मल्टीपल ऑफ 7 चेन के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा चेन लेनी है। तो ये जो मैंने बनाया है 5 पैटर्न से बनाया है, 7 चेन हमने एक पैटर्न के लिए यूज़ की हैं, तो 35 प्लस 2 एक्स्ट्रा हो गई, जो भी मैंने आपको बताया 37 चेन हमने स्टार्ट में ली थी। और इसके बाद हमने नई रो स्टार्ट करने के लिए तीन चेन और ली थी। और अगर आप इसे और चौड़ाई में बनाना चाहते हैं तो 6 पैटर्न रख सकते हैं, 7 चेन से हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है एक,
तो 42 हमारे शुरू में चेन आ जाएंगे, दो हमारे एक्स्ट्रा चेन है जो पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए हैं, तो 44 44 आप चेन शुरू में लेंगे और तीन चेन आप एक्स्ट्रा लेंगे जो हम नई रो स्टार्ट करने के लिए लेते हैं। इस तरह से आप इसे और चढ़ाई में बना सकते हैं। इस पैटर्न के इसी तरह से आप शॉल भी बना सकते हैं, बस 7 के मल्टीपल के हिसाब से आप एक्स्ट्रा चेन लेंगे। अब यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे, यहाँ पर हम फ्रिंज बनाएंगे एक नई तरह से, जैसे हम पहले नोट्स बनाते हैं उस तरह के नहीं बनाएंगे। यहाँ पर जाल बनाएंगे और उसके नीचे हम लटकन लगाएंगे। तो मफलर को देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, नीचे मैंने फ्रिंज बना दी है और ये मैंने किस तरह से बनाई है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख कर आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये जाल बनाया है, जाल के नीचे हमने इस तरह से लटकन लगाई है। पहले जो मैंने कई वीडियोस में नॉट्स बनाई हैं ये उससे बिल्कुल अलग तरह की है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।